हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम बनाएंगे अमृतसरी पनीर भुर्जी। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में आधा कटोरी दही लिया है, उसमें 2 चम्मच बेसन डाला है, हल्दी डाला है, पाव भाजी का मसाला डाला है, चना मसाला डाला है और थोड़ा गरम मसाला डाला है। रेड चिली पाउडर डाल के, पानी डाल के इसका एक हमें पतला सा घोल रेडी कर लेना है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डालेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा। इसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। इसके साथ ही डालेंगे हम ग्रीन चिली। चिली आप अपने चॉइस के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे लहसुन और अदरक की पेस्ट सॉटे हो जाए तो उसके बाद हम डालेंगे ऑनियन। यहाँ पे मैंने 2 ऑनियन को बारीक कट कर लिया है और उसे हमें ट्रांसपेरेंट पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। इसके साथ हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे टमाटर को बारीक कट कर लिया है और उसे ऐड कर देंगे। टमाटर गलने के लिए इसे हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला रेडी हो गया है, टमाटर भी गल गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारी दही बेसन वाली प्योरी। तो ये पेस्ट ऐड करने के बाद हमें इसे 5 से 6 मिनट लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए। और वही बाउल में मैंने पानी लेके थोड़ा सा डाल दिया है ताकि हमारा पेस्ट वेस्ट ना जाए। इसी के साथ ही हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी और इसे अच्छे से भून लेंगे। 2 से 4 मिनट हमें इसे चलाते हुए भूनना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमें आपको जितनी ग्रेवी चाहिए वो हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। और इसके साथ अब हम डाल देंगे किसा हुआ पनीर। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और उसको मैं ऐसे लंबा लंबा कद्दूकस करके ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें पनीर डालने के बाद ज़्यादा फास्ट चलाना नहीं है, बहुत ही धीरे से चलाना है ताकि पनीर के जो लच्चे हैं वो अच्छे से दिखें। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे हमारी अमृतसरी लच्छेदार पनीर भुर्जी रेडी हो गई है। आप इसे पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज्वार की रोटी के साथ सर्व किया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। थैंक यू।